नहीं आप ये क्या कर रहे हैं? अरे बेइज्जती हो जाएगी। क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वेट कम कर रहे हैं? दौड़िए दौड़िए दौड़िए। तो गाइस आज हम लोग जा रहे हैं बनिया पार्क, जो कि पहले जैसा नहीं रहा है, बिल्कुल ही बदल चुका है और आपको दिखाएंगे, बहुत ही शानदार है। और चलो वहाँ जाए जाएंगे और क्या जा रहा है ना एकदम एकदम। हाँ तो चलते रहिए, मजा लेते रहिए। तो लीजिए पहुँच गए हम लोग, टिकट मिलने की खुशी। बिना चार्ज का कोनो नहीं है। देखिए कितना ही बेहतरीन नज़ारा है इस पार्क का, बहुत ही सुंदर पार्क है। अपने बच्चों को ज़रूर लाए यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है। और मैं काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ, पहले यह कूड़ा था बिल्कुल भी और गंदगी थी। देख रहे हो विनोद कितने मस्ती में चल रहे हैं भैया हमारे, एकदम मस्त। सूरज भगवान अब नीचे चले। बत्तख भी हैं यहाँ पर छोटे छोटे, बट मुझे पता नहीं ये किस प्रजाति के हैं, बट जो भी हैं अच्छे हैं, क्यूट हैं। ट्रेन जा रही है दोस्तों, हम लोग ट्रेन से उतर चुके हैं, हालांकि बैठे ही नहीं हैं, अभी सब तैयारी हो रहा है। ये देखो यहाँ पे लाइट लगाने का इंतजाम। क्या बात है, क्या बात है, बच्चे ना बच्चे सही बड़े। ये है बचपन की ताजी यादें। हम लोग भी घूमा करते थे, पर मुझे तो चक्कर आता है बहुत ज्यादा, हम घूम नहीं पाते हैं बिल्कुल भी। आप मस्ती में घूम रहे हैं, सबके लिए है, चाहे वो बड़े हों, बूढ़े हों, बुजुर्ग हों, जवान हों, बच्चे हों, सबके लिए है ये। ये भी एक झूला है सरकने वाला, बट यहाँ मिट्टी बहुत ज़्यादा है तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, तो कौन रिस्क लेगा, बट रिस्क है तो इश्क है। अब देखिए यहाँ पर कितना अच्छा वाटर पार्क है, और आप इसमें नहा तो नहीं सकते बट इसका देख के ही मज़ा ले सकते हैं। वाटर बोट भी चल रही है, पैडल बोट, आपको पैडल चलाइए और इसका एंजॉय कीजिए, बहुत ही अच्छी है, सुकून की सुकून देने वाला पार्क है। पांडा ट्रेन, आप तो बच्चा बन गए बिल्कुल। देखिए दोस्तों फुटबॉल भी है यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे, उसके उसमें कैसे करना है ये, भैया के शरारत देखिए, ये बच्चे बन चुके हैं। कितना अच्छा बाउंस कर रहा है ये। देखिए गाइस दोस्तों, बच्चों के लिए यहाँ पे मिक्की माउस लगा हुआ पूरा सेटअप, बच्चे किस प्रकार से एंजॉय कर रहे हैं। हाँ ये देखिए दूर बच्चा कितना अच्छा एंजॉय कर रहा है। और भी ऐसा है बेहतरीन, बच्चे स्केटिंग कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पे बच्चों को सिखाया जाता है आई थिंक। शाम भी हो चुकी है और यहाँ पे बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं फुटबॉल की, ऐसा लगता है कि सॉलिन सॉकर गेम होने वाला है और ज़बरदस्त मज़ा आएगा। ये सब छोटे बच्चे हैं, ये सब फुटबॉल खेलने की तैयारी में हैं और इस ग्राउंड में ये फुटबॉल खेलेंगे। कहीं कहीं आप देख सकते हैं मैच भी हो रहा है, आपको जूम करके दिखाता हूँ, बच्चे मैच भी खेल रहे हैं, बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा है। मैदान काफ़ी बड़ा है, बहुत ही सुंदर है, आराम से इसमें आप दो दो तीन घंटा घूम सकते हैं, बहुत ही छोटे में लग रहा था, लेकिन ये पूरा समझ लीजिए एक तरह से
पूरे एरिया को कवर कर लिया है। मतलब आप इस साइड से जाइए तो एकदम पीछे वाली साइड से आप निकल जाएंगे, इतना जगह ले लिया। हम लोग बेनिया पे ही है कहीं और, एकदम बिल्कुल भी एकदम समझे में नहीं आ रहा है कहाँ है, पहुँच गए हम लोग। बनारस का बेनिया पार्क है और इसका नाम कुछ चेंज हुआ है कि या फिर यही है इसका नाम, वाराणसी स्मार्ट सिटी है वहाँ पर लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। बहुत अच्छी जगह घूमने वाली, एक बार ट्राई जरूर करें आप। जी नाव देखिए छोटे बच्चों के हैं, घूमने के लिए है, बाथ टब है, ठंडी में बच्चे इसमें बोट राइड कर सकते हैं। और बड़ों के लिए तो होता ही है, छोटे बच्चों के लिए बहुत ही कम देखा जाता है। कितना सुंदर है, मस्त है। इसका अलग से चार्ज आप लोगों को देना पड़ेगा जो भी अलग से आप लोग इंजॉय करेंगे इसमें, बाकी पार्किंग का भी अलग से है। और आपने बड़ा तालाब देखा, ये छोटा तालाब है। हाँ ये बच्चों के लिए छोटा तालाब है, मिनी पॉन्ड कह सकते हैं आप सब। गैस इसमें एक मिस्टेक भी है, अगर आप इसमें घूमेंगे पानी में तो आप देख सकते हैं पानी बहुत ही ज़्यादा गंदा है। और इसमें जो इस समय डेंगू का जो कहर चला हुआ है उससे आप लोगों को बचना होगा। तो शाम का समय पानी से बिल्कुल भी दूर रहना है क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो थोड़े से मज़े के चक्कर में कहीं हफ्ते 10 दिन का सज़ा ना बन जाए, ऐसा अच्छा है कि दूरी रहिए इस सब चीज़ों से। लाइटिंग बहुत ही ज़बरदस्त है, शाम हो चुकी है तो लाइट जल चुकी है, तो सोचा कि थोड़ा सा लाइटिंग भी आपको दिखा दिया जाए आप लोगों को कि बिना लाइटिंग के कुछ भी मज़ा नहीं है। मस्त, वाह क्या झूला है। बट मैं ऐसे झूलों से बहुत दूर रहता हूँ, मुझे चक्कर आता है, बट हो सकता है आप इसमें आए और इन्जॉय करें। मस्त झूला है बिल्कुल भी। ये ट्रेन तो एकदम छिया छिया वाली है, लेकिन ना ये चल नहीं रही थी, बस खड़ी थी एक जगह चुपचाप खड़ी थी। ये बच्चा बहुत ही सहमा हुआ है, बट छोटे बच्चों को इस पर ना झुलाएं क्योंकि वो डर सकते हैं। क्या है चलिए पेट कम करने वाला नहीं है, समझ में आ गया, पेट कम करने वाला वो है। देखिए ये दोस्तों शाम हो चुकी है और हम लोग भी अब चलते हैं, बट कुछ खिला तो दीजिए, इतना दूर से आए हैं तो भूख लग गई है दोस्तों। अब कुछ खिलाएंगे, जो खिला दे वो मैं खा लूँगा, सब खाता हूँ नन में छोड़ करके। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या मिलता है, कुछ दुकानें हैं यहाँ पर इसको बना हुआ है, यहाँ पर आप खा भी सकते हैं, कुछ चीज़ें चाट भी है, फास्ट फूड भी है, देखते हैं हम लोगों को क्या पसंद आता है, हम लोग वही खाते हैं। ये है चौटकी शॉप, गोलगप्पा, आलू टिकिया, टमाटर, जो चाहे वो लीजिए। मैंने 2 प्लेट चाट ली है और पैसे दे रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों टेस्टी चाट, काश मैं आप लोगों को खिला पाता, कोई ऑप्शन होता कि इसमें सब डाल देता, बट ऐसा है नहीं। तो खाते हैं, देखते हैं कैसा बना है यहाँ पर, आइए। तो गैस ये 30 रुपये का चाट है और बहुत बुरा भी नहीं है, अच्छा है। बताइए सर आपको कैसा लगा? मज़ेदार है। मज़ेदार है ना, जरा सा स्टाइल में बोल दीजिए, मज़ेदार है। पेट भर गया, बहुत ही स्पाइसी सारे चीज़ें, लग रहा है कि 2-4 किलो खा लिए, इतना पेट भर गया है। इतना हैवी खाना, टिकाऊ मजबूत खाना खाने की मुझे आदत नहीं है, थोड़ा खाना खाया है पचा लिया थोड़ा सा, हालांकि पचाने का समय सुबह होता है, शाम को नहीं होता है। पार्किंग की बात करें तो 2-व्हीलर पार्किंग 4-व्हीलर पार्किंग दोनों यहाँ पे आसानी से उपलब्ध है। इसका नाम पर राज नारायण स्मारक पार्क हो चुका है, इसका टिकट काउंटर है और मेन गेट है, यहीं से हम लोग होटल करते हैं। हम लोग आ चुके हैं घर, और कैसा लगा आपको बेनिया पार्क, और एक आपको छोटी सी दिखाने की कोशिश थी पार्क को, आप जरूर जाइए घूमिएगा। और चैनल आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करें और आप सब्सक्राइब करें।